अस्सलाम वालेकुम, एनएन न्यूज के साथ मैं हूँ सोनिया अली। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। मामलात अभी तक हल नहीं हुए, बातचीत जारी है, कोशिश है फारूक सत्तार कल राबता कमेटी में बैठे। फैसल सब्जवारी का कहना है फारूक सत्तार से दरख्वास्त है कि बहादुराबाद तशरीफ लाएं, गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सैनेट इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म, पंजाब से 53, सिंध असेंबली से 24 वोट लेने वाला कामयाब होगा, कैपी के असेंबली से 18, बलूचिस्तान से 9 वोट लेने वाला सेनेटर बनेगा। मेमोगेट स्कैंडल से मुतल्लिक अब खुद नोटिस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। हुसैन हक्कानी को लाने के लिए एक हफ्ते में इकदाम से आगाह करने का हुक्म, केस 2013 से अब तक क्यों नहीं लगा, वजाहत देंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत, पार्टी सदर का किरदार हुकूमत से नहीं खत्म किया जा सकता, नून लीग से मालूम होता है पार्टी सदर कितना ताकतवर है, चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस सिराजुल हक ने कहा सेनेट के टिकट का फैसला भी पार्टी सदर ही करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंट्रा इलेक्शन का अलगम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद, इमरान खान की जानिब से बाही में रुकन जिया अफरीदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज, जिया अफरीदी की असेंबली रुकनियत बरकरार रखने का हुक्म। अमेरिकी इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान में तालिबानों को शिकस्त नहीं दे सकी, अफगानिस्तान का 45% हिस्सा तालिबान के कब्जे में है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी 75% कम हुई। स्पॉट फिक्सिंग की पीसीबी की करप्शन यूनिट ने नासिर जमशेद पर फर्दर जुर्म आयद कर दी, साथ ही खिलाड़ियों को उकसाने मुआवनत फराम करने का इल्जाम, जवाब 2 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। 2 बड़े भाई कराची लाहौर हैं, पीएसएल की तमाम टीमें बच्चों की तरह हैं, जैसे माँ को बच्चे प्यारे होते हैं वैसे ही सब टीमें प्यारी हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.nnpknews.tv।